माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले नारी पुष्पा सिरप के बारे में। ये सिरप महिलाओं के लिए स्पेशली बनाई गई है, किन किन चीजों पर काम करती है, कब कब इसको पीना है, इसको लेने का सही तरीका क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स ये आपकी दूर करेगी, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ पूरी डिटेल में। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, साथ ही साथ इसकी प्राइस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। नीचे दिए गए बेल रेड कलर के बटन को आप प्रेस कर दीजिए, जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। जो भी सवाल आपका वीडियो से जुड़ा हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछिए, मैं आपको वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, नारी पुष्पा जो ये सिरप है, ये स्पेशली महिलाओं के लिए बनाई गई है। देखिए, महिलाओं में काफी प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे कि पीरियड के दौरान दर्द होना, पीरियड का कम आना, खुलकर ना आना, चिड़चिड़ापन, साथ ही साथ थकान महसूस करना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाते हैं, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा चक्कर और थकान हमें हो जाती है। गर्ल्स के साथ, लेडीजों के साथ ये प्रॉब्लम्स हमेशा रहती है। साथ ही साथ अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, शादी के काफी साल हो गए और आपको बेबी चाहिए लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए आप इस दवाई को, इस सिरप को कैसे यूज करें, अब वो आप जान लीजिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसको मिलाकर जिन जिन चीजों से बनाया गया है, वो सारी चीजें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं और इसको काफी सारी जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया गया है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्दी है, काफी ज्यादा कारगर साबित होती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। 15 साल से लेकर आप इसको किसी भी एज ग्रुप के हो वो पी सकती हैं, लेडीजें इसको, गर्ल्स इसको, स्पेशली गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए बनाई गई है। तो आप 15 साल से लेकर कितनी भी उम्र आपकी हो, वहां तक आप इसको पी सकते हैं। बात करते हैं इसकी प्राइस की। ये आपको 170 रुपए में किसी भी शॉप पर भी मिल जाएगी, आयुर्वेदिक शॉप पर, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। साथ ही साथ अब आप ये जान लीजिए कि ये सिरप कैसे पीनी है, क्या क्या इसके अंदर आता है। जब आप इस सिरप को खरीदेंगे तो इसमें आपको सिरप के साथ साथ टेबलेट भी मिलेगी, टेबलेट के पैकेट मिलेंगे। इसको पीने का सही तरीका यही है कि आप या तो इसको चम्मच से डायरेक्ट पी लीजिए, एक चम्मच यानी कि 10 ml के आसपास आपको पीनी है, या फिर आप इसको एक काम कर सकते हैं, एक ग्लास पानी के अंदर घोलकर इसको पी जाइए, वो काफी अच्छा तरीका है। और इसकी एक टेबलेट आपको खाना खाने के बाद खानी, और एक टेबलेट आपको रात को खाना खाने के बाद खानी, एक सुबह एक शाम को, दो टेबलेट आपको एक दिन में खानी है। और इस सिरप को आपको एक दिन में दो बार पीना है, सुबह पीना है, शाम को पीना है, खाना खाने के बाद ही आपको इनको पीना है। तो इस तरीके से अगर आप इसको पियेंगे तो इसके रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे, काफी अच्छी सिरप है। अगर आप इसको फेस पर, आपके बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, फेस पर पिंपल होने लगे, अक्सर किशोर अवस्था में देखा जाता है गर्ल्स को पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, फेस पर ग्लो नहीं होता है, फेस पर कालापन आ जाता है, तो उसके लिए भी ये सिरप काफी अच्छी मानी जाती है। फेस के लिए भी काफी अच्छे रिजल्ट इसको इसके मिलेंगे आपको, आपके बालों के लिए भी काफी अच्छी है सिरप। इसमें काफी अच्छी जड़ी बूटियां जो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा काम करती है, साथ ही साथ हमारे गर्भाशय से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करती है। तो ये सिरप आपको जरूर पीनी चाहिए। सभी टीनेज गर्ल को, सभी लेडीजों को मैं यही इस सिरप के बारे में यही बोलती हूँ कि आपको इस सिरप को जरूर लेना चाहिए, जरूर पीकर देखना चाहिए, काफी अच्छी आयुर्वेदिक सिरप है ये। तो ये आपकी कुल मिलाकर शारीरिक कमजोरी को दूर करती है, थकान चक्कर जैसे सभी चीजों को ये दूर करेगी। तो सिरप काफी अच्छी, अगर आप इसको लेना चाहते तो ऑनलाइन खरीदे या किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल पे भी आपको मिल जाएगी। तो होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।